तो दोस्तों फाइनली हमारे पास आ चुका है ये काफी बड़ा सारा बॉक्स और इसके अंदर एक नया गेस्ट आया है हमारे स्टूडियो के लिए। अब मैं करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग और बताऊंगा कि भाई इस डब्बे के अंदर आखिर क्या मिलने वाला है। तो फटाक से कर देते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये रहा हमारा नाइफ और यहां से कर देते हैं हम इसकी सील कट। और यहां पर कुछ इस तरह से इसकी सील है और ये यहां पे मैं इस तरह से कट कर देता हूं और ये थोड़ी सी टाइट है, इसको भी मैं यहां पे काट देता हूं। तो यहां पे मैंने इस बॉक्स को खोल लिया है और ये जो बॉक्स है ये वाकई में बहुत बड़ा है साइज में। आप देख सकते हैं मैं बैठा हूं, मेरे बराबर का ये। और अब इसमें बहुत सारा सामान है, मैं आपको एक एक करके निकाल कर दिखाता हूँ। तो अभी हम निकालने का ट्राई करते हैं। एक्चुअल में ये है एक मेरे स्टूडियो के लिए मेरी नई चेयर। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल हमको मिलते हैं तो सारे टूल को अभी मैं यहाँ रखता हूँ। तो फटाफट से एक बार सारा सामान निकाल लेते हैं, फिर बताऊंगा कि कौन कौन से सामान हमको इसमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों सारा सामान हमने बाहर निकाल लिया है। सबसे पहले बात करेंगे पेपर वर्क की। तो यहाँ पे हमको एक तो बिल मिला है इसका। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्राइस कितनी है, तो इसको भी मैं साइड में यहाँ पे रख देता हूँ। और एक हमें यहाँ पे सेलबेल की तरफ से मिला है पैकेट। अब मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर मैंने सेलबेल की एक बोस चेयर मंगवाई थी और उसका भी मैंने रिव्यू किया था अपने चैनल पर। और अब मैंने एक साल के बाद ये एक मैस चेयर मंगवाई है सेलबेल की, क्योंकि मुझे एक मैस चेयर भी चाहिए थी, क्योंकि बोस चेयर पर मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ तो काफी कंफर्टेबल फील करता हूँ, लेकिन जब मैं शूट करता हूं तो मैं वो बोस चेयर को उतना इस्तेमाल नहीं कर पाता हूं। तो मैंने सोचा है कि मैं ये एक मैस चेयर यूज करूं और इस पर मैं शूट वगैरह करूंगा आने वाले वीडियोस में, आप देखेंगे। अब यहां पे ये जो एनवेलप है इसके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या मिल जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक मिल जाता है ये यूट्यूब का एक ऑप्शन। यहाँ पे क्या होता है कि आप जब भी आप इनका चेयर परचेज करते हो और अगर आप एक यूट्यूबर है तो आप वीडियो बना के इनको यूट्यूब पे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कैसे सबमिट करते हैं। और यहाँ पर ये बेस्ट वीडियो ऑफ द मंथ एक मतलब एक प्राइस देते हैं उनको, जिसका 5,000 रुपए का अमेजन गिफ्ट वाउचर होता है। तो इसमें वो सारी कंडीशन लिखी गई है। इसके अलावा एक ये पेपर मिल जाता है, इस पेपर पर सारी चीजें लिखी हुई है कि कैसे इस चेयर को हम असेंबल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक बैकरेस्ट मिलता है, एक यहाँ पे सीट मिल जाती है, एक यहाँ पे ये बेस मिल जाता है इसका। इसके अलावा यहाँ पे आपको बता दूं तो ये इसका व्हील बेस है और ये यहाँ पे दो मिल जाते हैं हैंड रेस्ट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे एक हाइड्रोलिक मिल जाता है और यहाँ पे इसकी जो एलन की और स्क्रू है वो भी मिल जाएंगे, जिससे हम इसे असेंबल कर पाएंगे। और यहाँ पे एक इसका जो हाइड्रोलिक है इसका कवर भी मिल जाता है। तो फटाक से इस चेयर को असेंबल करते हैं और फटाक से असेंबल करके बताते हैं कि ये चेयर कैसी नजर आती है। दोस्तों फाइनली 10 या 15 मिनट हमें लगे और हमने अपनी चेयर को असेंबल कर लिया है। यहाँ पे देखिए ये हमारी चेयर है, दिखने में काफी गुड लुकिंग है, लुक बहुत ही जबरदस्त है इसका, बनावट काफी अच्छी है इसकी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये अब देखिए घुमाने में बहुत ही आसान है, ये देखिए बहुत ही इजीली घूम जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हम इस तरह लेके जाएंगे तो बहुत ही इजीली चली जाएगी। बाकी बात करें हैंड रेस्ट की तो ये एडजस्टेबल है, आप चाहे इनको ऊपर कर सकते हैं और चाहे तो इस बटन से आप इनको नीचे भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप इनको जैसे चाहे वैसे हाइट पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको स्पेशल बैक सपोर्ट मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है क्योंकि ज्यादा जब आप चेयर पे बैठते हो तो कई बार बैक पेन होने लगता है, लेकिन ये जो बैक सपोर्ट आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा, इससे आपको काफी फायदा होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक चीज और दिखा देता हूँ ऊपर की साइड, यहाँ पे आपको मिल जाता है हेड रेस्ट। अब यहाँ पे ये भी एडजस्टेबल है, आप चाहे इसको देखिए आप चाहे ऐसे कर सकते हैं, चाहे चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, और आप चाहे तो पीछे यहाँ पे एक इसके बटन है, इस बटन को भी करके इस तरह प्रेस करना है और यहाँ पे देखिए इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी भी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। अब मैं इस चेयर पे बैठता हूँ और पहले इसकी हाइट और दिखा देता हूँ, ये सबसे एकदम लो हाइट पर है। इसको यहां से इसको थोड़ा सा पुल करेंगे और यहाँ पे देखिए ये काफी ऊंची हो जाती है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो बहुत ऊंची है ये चेयर, आपकी कितनी भी हाइट हो, कम कितनी भी ज्यादा हाइट हो, आपको ये चेयर काफी पसंद आएगी। इसके बाद यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे इस तरह इस पर बैठूंगा आराम से और यहाँ पे बस इसको
इस तरह से करूंगा और मैं यहाँ पे वापस से नीचे ये चेयर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं आराम से बैठ सकता हूँ इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये काफी ज्यादा एडजस्टेबल है, इसको चाहूं मैं इस तरह एडजस्ट कर सकता हूँ, चाहूं मैं इसको नीचे कर सकता हूँ। इसके अलावा बैठने में काफी कंफर्ट है, काफी एक्टिव फील कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे बैठ के मैं आराम से शूट कर सकता हूँ वीडियो, बॉस चेयर पे मैं शूट नहीं कर पाता था। और अगर मुझे थोड़ा रिलैक्स करना है तो मैं यहाँ पे सर लगा सकता हूँ, ये जो मेरा हेड रेस्ट है इसको मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ और यहाँ पे इस तरह सर लगा सकता हूँ। चाहूँ तो मैं रिक्लाइन भी कर सकता हूँ, ये देखिए आप रिक्लाइन भी काफी अच्छे से हो जाती है, काफी पीछे तक रिक्लाइन हो जाती है, तो मैं आप ही ज्यादा इंजॉय कर सकता हूँ। तो मुझे ये सेलबेल की जो मैच चेयर है ये काफी अच्छी लगी है। इसका बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कीमत की अगर बात करें तो वैसे तो इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, बट इस पे ऑफर चलते रहते हैं। मुझे ये पड़ी है 7,499 रुपए में। तो ये चेयर मुझे, बॉस चेयर जो है वो भी बहुत बढ़िया चेयर थी सेलबेल की, और ये चेयर भी मुझे काफी अच्छी लगी है। तो आपको भी अगर चेयर परचेज करनी है अपने स्टूडियो के लिए ऐसी मैच चेयर, तो आप परचेज कर सकते हैं, बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।